Hey, what's up YouTube family, welcome back with my another video. Friends, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल पाइप. तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पाइप के बारे में. तो हॉरिजॉन्टल पाइप कैसा होता है और उसके कितने प्रकार के साइज होते हैं और उसका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं. तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ में. अगर आपने ज्ञानी सिविल इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सके. दोस्तों, बहुत सारे नए बंदे होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हॉरिजॉन्टल पाइप का साइज क्या क्या होता है, यूज कैसे होता है. तो आज मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ में. फ्रेंड्स, ये है हॉरिजॉन्टल पाइप. ओके, कपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेजर इसको बोला जाता है. ठीक है, तो अभी हमारे पास ये तीन साइज का है, ये 1450 है, 1250 है और ये 950 है. तो हमारे पास तीन साइज का हॉरिजॉन्टल पाइप है. एक्चुअली मेरे साइट में टोटल 6 या 7 साइज के हैं. ओके, उसमें 450 के भी हैं, 600 भी हैं, 900 भी हैं और 2 मीटर 50 का भी है. तो वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि आप किस साइज का आपको बनाना है, बनवाना है या मंगाना है, किस साइज का आपको यूज हो सकता है, उस साइज के हिसाब से आप उसे बनवा सकते हैं और मंगा सकते हैं. तो मेरे कम साइट में अभी 6 या 7 टाइप के हैं. तो फ्रेंड्स, इसका यूज आप कर सकते हैं. कहीं शटरिंग होता है तो जो रूम रहता है और रूम के नीचे जो हम लोग सपोर्टिंग करते हैं शटरिंग का, स्लैब का, वो उसका सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है. दूसरे आउटर प्लास्टर हो, इनर हो, जो हम लोग स्टेजिंग बनाते हैं भाड़ा चढ़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, ब्लॉक वर्क के लिए, कॉलम कंक्रीट के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए आप करेक्शन करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसका यूज उन्हीं काम के लिए किया जाता है. और मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा इसमें यूज किया हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, छोटा भी होता है, 500, 600, 700, 800, 900, 1 मीटर, 11, 12, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 2 मीटर, 2100, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको कौन से साइज का चाहिए. ओके, क्योंकि बहुत सारे साइज का रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है. मिनिमम आप 5 से 6 साइज रखेंगे तो बहुत है. 5 से 6 साइज कौन सा आप रख सकते हैं, 600, ओके, 900, 1100, 1500, 1700, ये 5 साइज रखेंगे आपका पूरा बिल्कुल काम हो जाएगा और कुछ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये 5 साइज से हो जाता है और 5-6 साइज लास्ट रखें उतना में ही आपका काम हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये इस तरह से होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है हमारे साइट. वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ गया हूँ अपने साइट में और यहाँ ऑलरेडी अरेक्शन किया हुआ है. तो मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है. ओके, कपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेजर. तो ये हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है लेजर. तो ये देखिए वर्टिकल है. लास्ट टाइम मैंने आपको वर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाया था, आई होप कि आप लोग उसे समझे होंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बोल सकते हैं. तो ये हमारा वर्टिकल है और वर्टिकल का सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल पाइप का यूज किया हुआ है. ओके, ताकि वो इस पर लोड पड़े तो ये बैंड ना हो जाए, इसके लिए इसको यूज किया गया है. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हमारा अभी हल्का और उसमें वर्टिकल का सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल पाइप का यूज किया गया है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्लैब शटरिंग के लिए है और कहीं आप वॉल का प्लास्टर करते हैं या कंक्रीट करते हैं या स्टील, वर्टिकल स्टील आप बाइंडिंग करते हैं, तो वो सभी चीज़ों के लिए आपका इसका यूज पड़ता है. तो मैं आपको जैसा कि बताया कि आप 5 से 6 साइज का रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, उतना साइज रखने का, 10-15 साइज रखने का ज़रूरत नहीं है. तो आई होप कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को समझा होगा. तो बेस प्लेट और यू जैक. ओके, तो वो क्या होता है,
अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं। और तो अगर आपने ज्ञानी सिविल इंजीनियर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।